हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें डिस्क्रिप्शन बार बार लिखना क्यों पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने जब भी देखा होगा कि हम जब भी वीडियो डालते हैं तो हमें अपनी वीडियो में हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सेटिंग की तरफ ले जा रहा हूँ, उससे अगर आप ऑन कर लेंगे वो सेटिंग तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखने की नहीं ज़रूरत होगी। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा अपने यूट्यूब चैनल का लोगो। यूट्यूब चैनल का लोगो दिखने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली अपने यूट्यूब चैनल के लोगो क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन दिख रहा है यूट्यूब स्टूडियो बीटा। तो दोस्तों, सिंपली आपको यूट्यूब स्टूडियो बीटा पर क्लिक कर देना है। यूट्यूब स्टूडियो बीटा पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, देखिए आपके सामने न्यू इंटरफेस खुलेगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड खुल चुका है। यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड खुलने के बाद दोस्तों, आपको नीचे दिख रहा है क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक पर सिंपली आपको दोस्तों क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको दिख रहा हो अभी नहीं, इस पर सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक में हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्लासिक में होने के बाद में दोस्तों, आपके सामने देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन दिख रहा हो वीडियो मैनेजर। सिंपली दोस्तों, आपको वीडियो मैनेजर पर क्लिक करना है। वीडियो मैनेजर पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, आपके सामने फिर से कई सारे ऑप्शन आएंगे। उसके बाद में दोस्तों, आपको नीचे दिख रहा होगा चैनल। सिंपली दोस्तों, आपको चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, देखिए आपके सामने देखिए चैनल खुल जाएगा। चैनल खुलने के बाद दोस्तों, आपको दिख रहा होगा अपलोड डिफिकल्ट। सिंपली दोस्तों, आपको तीसरे नंबर पर दिख रहा होगा अपलोड डिफिकल्ट। सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, देखिए आपके सामने यहाँ पे पूरा यूट्यूब का आ जाएगा। आप यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी लगा सकते हैं अपने चैनल का। उसके बाद में दोस्तों, आपको दिख रहा होगा सेव का बटन दिख रहा होगा। सिंपली दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सेव कर लेना है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर भूलें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।